हेलो एविएशन लवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल एविएशन लाइफ में। तो गाइस, आज की जो वैकेंसी है ये है ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी, और ये वैकेंसी है गाइस स्पाइसजेट एयरलाइंस में। बहुत से लोगों को डाउट है क्या ये वैकेंसी फ्रेशर के लिए है, तो हाँ गाइस, ये वैकेंसी एब्सोल्युटली फ्रेशर के लिए है। बहुत से लोगों को डाउट है क्या ये वैकेंसी में बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ गाइस, बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, बहुत से लोगों को डाउट है क्या ये इंटरव्यू वॉकर इंटरव्यू है, तो हाँ गाइस, एब्सोल्युटली दिस इंटरव्यू इज अ वॉकर इंटरव्यू। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको मिल सके गाइस जॉब की लेटेस्ट लेटेस्ट सबसे लेटेस्ट अपडेट। गाइस नाउ, अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वैकेंसी कब के लिए, कहां के लिए, कौन सी पोस्ट है, क्या है, कैसा है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कब है वो इंटरव्यू शेड्यूल्ड, डेट क्या है, वेन्यू क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। तो गाइस, बिना किसी देरी के बहुत वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस एक चीज और, बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट था क्या जो वॉक इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं, बहुत से लोगों को डाउट था कि यार स्पाइसजेट एयरलाइंस की जो वैकेंसी है ये हमें दिखती नहीं है। तो गाइस मैं एक चीज बता दूं कि स्पाइसजेट एयरलाइंस जो अपनी वैकेंसीज है यहाँ पे naukri.com में वो डालता है। तो अगर आप स्पाइसजेट नौकरी लिखेंगे और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे उनके जो रिसेंट न्यू जो अपडेट्स हैं वो दिख जाएंगे आपको। तो यहाँ पे दिखा रहा है ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू फॉर दिल्ली। तो गाइस, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, अब लाइन से इस चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज बता दूं कि ये हमारा इंस्टाग्राम का ऑफिशियल पेज है। एंड गाइस, हम लोगों को जो है घर बैठे बैठे कोचिंग देते हैं, घर बैठे बैठे इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, और अब तक गाइस हमारे कोचिंग से 143 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं एयरलाइंस में एज अ ग्राउंड स्टाफ एंड एज अ कैबिन क्रू। सिर्फ एक साल में गाइस हम लोग लिए रेज्यूमे बनाते हैं 100% गारंटी शॉर्टलिस्ट के साथ। एंड हमारी जो कोचिंग है ये इंडिया की फर्स्ट ऑनलाइन कोचिंग बाय एक्स एयरलाइंस एम्प्लॉय। गाइस एक चीज और, आपको अगर चाहिए जॉब की लेटेस्ट अपडेट तो गाइस आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कीजिए। नीचे के देख सकते हैं गाइस के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं फॉर 8 मई क्रैश कोर्स। तो 8 तारीख से क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैं आपको दूंगा घर बैठे बैठे नॉलेज गाइडेंस। गाइस मैं आपको खुद गूगल मीट में पढ़ाऊंगा, आप डेमो वीडियोस भी आई बटन में देख सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज और, गाइस हमारे जो हमने सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस रखी है, ग्राउंड स्टाफ की फीस 3000 रुपीज है और कैबिन क्रू की फीस 3500 रुपीज रखी है, जिसमें मैं आपको पर्सनली कोच करूंगा, गाइड करूंगा और आपको ऐसी ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप भी एयरलाइंस के इंटरव्यू निकालें। गाइस अब तक मैंने जो है एयरलाइंस इंडस्ट्री के 6 ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू निकाले हैं और एक कैबिन क्रू का इंटरव्यू निकाला, प्लस मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है एयरलाइंस इंडस्ट्री में। मुझे पूरा आइडिया है कि कैसे इंटरव्यू को क्रैक करना है, चाहे आप 12th पास हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो, चाहे कुछ भी हो। तो गाइस अगर आप घर बैठे बैठे सच में तैयारी करनी है, अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं, तो ये फटाफट से मैसेज भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 7999508444। गाइस एक चीज और, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट कीजिए। और डेली रात के 10 बजे मैं लाइव आता हूँ 10 से 11, तो आप यूट्यूब में का बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिए ताकि डेली रात को आप 10 बजे मेरे से डाउट्स पूछ सकें। गाइस गाइस एक चीज और, की हमारा ऑफिशियल वेब पेज भी है aviationlife.in के नाम से, राइट? तो आप उसे वहां पर जाके चेक कर सकते हैं हमारे बारे में, हु वी आर एंड व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग, राइट? तो अब तक हमारे कोचिंग से 109 नहीं, 100 पुराना है, 143 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं एयरलाइंस इंडस्ट्री में। एंड ये हमारा वेब पेज है गाइस ऑफिशियल aviationlife.in। एंड नीचे के देख सकते हैं गाइस कि वी आर प्रोवाइडिंग इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स। एंड आपको घर बैठे बैठे जो तैयारी करनी है, कहीं नहीं बाहर जाना, कहीं भी ऐसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करने हैं जहां पे आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए पे करने पड़े। गाइस उसकी जरूरत है ही नहीं, पैसा बर्बाद है वहां जाना, ठीक है? तो आपको वहां जाना नहीं है। अब अगर करना आपको इस एविएशन लाइफ के कोर्सेज ज्वाइन करने जो कि मोस्ट अफोर्डेबल है, और ये कोर्स हमने सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया क्योंकि मुझे पता था कि एविएशन इंडस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत से स्टूडेंट प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं और नॉर्मल घर के लोग एविएशन ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने लेके आया बहुत सा मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स और लेके आया गाइस पॉजिटिव रिजल्ट। नीचे आके देख सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट इन एयरलाइंस में ऑलरेडी प्लेस है। तो गाइस बिना किसी के वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं वैकेंसी के बारे में क्या है कैसा है। तो गाइस ये जो इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं यह दिल्ली में इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। ओके, अब बात करते हैं क्या इसमें फ्रेशर हायर हो सकते हैं। तो हाँ गाइस, इसमें फ्रेशर दे ऑडी हायरिंग फ्रेशर 0 से 3 साल लिखा है, मतलब फ्रेशर की हायरिंग हो रही है गाइस। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट की लोकेशन क्या है, टाइम क्या गाइस, टाइम का जो इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले वो है 6 मई को। तो गाइस 6 मई को ये इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं, तो 6 मई की डेट है कल। गाइस कल इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। गाइस एक चीज और, कि अगर जिसने वीडियो लेट में देखी, जाहिर सी बात है वो लेट में देखेगा और जो है वो लेट में जाएगा किसी भी चीज के बारे में। तो अगर आपने बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को दबाया होगा, अगर आप चैनल के साथ रेगुलरली बने होंगे, तो ही आपको मतलब आप लगातार आपको आप लाइजन बैठाते रहे होंगे, ठीक है? तो ये इंटरव्यू कंडक्ट होंगे 6 मई को। वेन्यू है गाइस स्पाइसजेट लिमिटेड रूम नंबर 26 टर्मिनल 1 IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे ये जो है इनका वेन्यू है, राइट? तो ये वेन्यू जो है यहाँ पे है। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं टाइम कितना दिया। तो गाइस टाइम है 9 बजे से 11 बजे के बीच में। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं बाकी चीजों के बारे में और क्या क्या चीजें दी है इसमें। तो यहाँ पे गाइस साफ साफ लिखा हुआ है कि वी आर कंडक्टिंग अ वॉक इन इंटरव्यू फॉर पोजीशन ऑफ ट्रेनी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव स्लैश
कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव ग्राउंड स्टाफ, यहाँ पे दोनों चीजें लिखी हुई गाइस, यहाँ पे चीजें मेंशन है, राइट, यहाँ पे चीजें साफ साफ मेंशन है। पोजीशन फॉर ट्रेनिंग सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव स्लैश कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, दोनों के लिए हायरिंग हो रही है फॉर दिल्ली एयरपोर्ट ऑन 6 मई 2022, जो कि कल है, फ्रॉम 9 AM to 11 AM। ओके गाइस, यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है कि अगर आप बीटेक कैंडिडेट हैं, बीई बीटेक कैंडिडेट हैं, तो यू आर नॉट क्वालिफाइड, नॉट बी एंटरटेन, तो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ग्रेजुएट्स और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, रिवर्स रिजल्ट रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट कैंडिडेट कैन ऑल्सो अप्लाई। अगर आप ग्रेजुएट हैं, फाइनल ईयर में हैं और आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो गाइस आप इस नौकरी के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे अगर नीचे आते हैं तो स्पेसिफिकली एक चीज और मेंशन कर दिया उन्होंने, ट्रेनी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव स्लैश सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव, मतलब ये जो हायरिंग हो रही है ट्रेनी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के लिए हो रही है। डिपार्टमेंट है सिक्योरिटी, लोकेशन है दिल्ली, मतलब गाइस इंटरव्यू भी दिल्ली में होंगे और नौकरी भी दिल्ली में होगी। एक्सपीरियंस 0 से 3 ईयर। ओके, नाउ बात करते हैं यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो गाइस जॉब डिस्क्रिप्शन की अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप इस वीडियो में करते हैं 100 लाइक्स तो अगले भी वीडियो आ जाएगी जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर। नाउ यहाँ पे साफ साफ लिखा, कैंडिडेट हैविंग वैलिड एफसेक सर्टिफिकेट एंड स्क्रीनर लाइसेंस, तो स्क्रीनर सर्टिफिकेट, तो यू विल बी वैलिड, यू विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हीं लोग को सिलेक्ट किया जाएगा। गाइस जब मैं एयरलाइंस इंडस्ट्री में सिलेक्ट हुआ था, मैं भी एज अ फ्रेशर ही हुआ था, राइट, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट चीज और यहाँ पे और क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे साफ साफ दिया है कि फ्लुएंसी इन इंग्लिश होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए और एबिलिटी टू वर्क इन डायनेमिक वे, ऐसे एनवायरनमेंट में और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करने वाले लोगों की हमें सख्त जरूरत है। विलिंगनेस टू वर्क इन 2027 शिफ्ट में काम कर सके, रोटेशनल शिफ्ट में काम कर सके, ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग इज दैट कि और कौन सी दूसरी वैकेंसी आई है। तो गाइस दूसरी वैकेंसी जो आई है ये कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की आई है, सिक्योरिटी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की डिपार्टमेंट में, राइट, एयरपोर्ट सर्विसेज, लोकेशन है फिर से दिल्ली, राइट, एक्सपीरियंस 0 से 3 ईयर, तो 0 से 3 ईयर फिर मांगा गया। गाइस एज लिमिट जो मांगी गई है वो है 18 से 27 ईयर के बीच में, 27 ईयर के बीच में। तो अगर आप 18 से 27 ईयर के बैरिकेड के अंदर आ रहे हैं, अगर आपको दिल्ली में रह के स्पाइस जेट एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ में नौकरी करनी है, अगर आप किसी और एयरलाइंस में काम कर रहे हैं, जैसे कि एयर इंडिया सेट्स हो गया या किसी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी में काम करें, तो गाइज ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है जॉब स्विच करने के लिए। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं अगले आगे चीजों के बारे में। तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, ग्रेजुएट्स एंड फाइनल रिजल्ट अवेटेड कैन ऑल्सो अप्लाई, पैसेंजर हैंडलिंग की जरूरत है यहाँ पे, राइट, ये सारी की सारी चीजें, तो इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट थिंग इज दैट कि और क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्लुएंसी इन इंग्लिश होनी जरूरी है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है, क्योंकि आपको गाइज इसमें करनी पड़ेगी पैसेंजर डीलिंग, लोगों से करनी पड़ेगी बात, डिस्कस करनी पड़ेगी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, तो हमें ऐसे लोग की जरूरत है जो कि इंग्लिश में बात कर सकें। चलो ज्यादा फ्लुएंटली नहीं, कम से कम थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आनी ही चाहिए गाइज, ठीक है। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं आगे, राइट गाइज, आई बटन में आप क्लिक मार के देख सकते हैं जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं स्पाइसजेट एयरलाइंस के इंटरव्यू निकाला है, जैसे कि आदिल हो गया, आकांक्षा हो गई, शिवम प्रजापति, और कौन सत्येंद्र, जितने भी लोग स्पाइसजेट वाले हैं, तो उनके वीडियोस आप देख सकते हैं, वो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं और वो स्पाइसजेट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ओके, नीचे आके देख सकते हैं गाइस की यहाँ पे साफ साफ दिखा हुआ है। ओके, तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना। तो गाइस डॉक्यूमेंट को आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि एडमिशन चालू हो चुके हैं फॉर क्रैश कोर्स 8 मई के लिए। तो अगर आप इंटरव्यू में गो थ्रू नहीं हो पाते या इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाते गाइस, तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, एडमिशन लीजिए फटाफट से क्रैश कोर्स में। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, कोच करूंगा, मुझे सारी की सारी सीक्रेट स्ट्रैटेजी पता है, मुझे ये पता है कि कैसे इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आंसर देना है, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपके सीवी में कुछ प्रॉब्लम है, सीवी सेलेक्ट नहीं हो रहा, सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे, बार बार फेल हो जा रहे हो, कॉन्फिडेंट हो, नर्वस हो, और आप वो आंसर नहीं दे रहे हो जो उन्हें चाहिए, आप अपनी अपने बारे में बता रहे हो, इंट्रोडक्शन देना नहीं आता, इंटरव्यू की तैयारी करनी है फुल प्लेस, तो गाइज मैं तैयारी करवाऊंगा आपको पर्सनली बैठा के, और स्ट्रिक्ट तरीके से तैयारी होगी, मैं बताऊंगा वैसी करके जाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अब तक हमारे कोचिंग से 143 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं मेरी गाइडेंस में, मैंने उन्हें पढ़ाया है और वो सेलेक्ट हो चुके हैं और स्पाइसजेट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी काम करना चाहते हैं और एयरलाइंस का इंटरव्यू निकालना चाहते हैं, तो गाइज ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ और केबिन क्रू इंटरव्यू निकालने के लिए और तैयारी करने के लिए घर बैठे बैठे। गाइज कोविड के समय जब से ऑनलाइन चालू हो तब से ये ऑनलाइन ही चालू हो गया है, और घर बैठे बैठे आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो सारे के सारे वीडियोस आई बटन में आ गए होंगे, आप देख सकते हैं कि हम पढ़ाते कैसे हर एक चीज। बिना डिस्कस करते हैं आगे, डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना। तो गाइज डॉक्यूमेंट लेके जाना आपको एक अपडेटेड रिज्यूमे लेके जाना है, 10th ओके काइंडली मेक श्योर जेरॉक्स कॉपी लेके जाना है, ओरिजिनल लेके नहीं जाना है भाई, है ना, 2 जेरॉक्स कॉपी लेके आना है। ड्रेस कोड रहेगा फॉर्मल, राइट, कैजुअल को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, तो कैजुअल जींस वींस पहन के मत जाना, ठीक है। 10th 12th की मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होने चाहिए, ऑल सारे सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट लेके जाना है, अगर आप पहले किसी कंपनी में काम करते तो वहाँ का ऑफर लेटर,
प्रमोशन लेटर एंड देन लास्ट 3 मंथ की सैलरी से अगर एक्सपीरियंस हो तो रोल एंड ट्रिम का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ठीक है। तो डेट है 6 मई एंड लाइव वेन्यू है स्पाइस जेट लिमिटेड, रूम नंबर 26, टर्मिनल 1, IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, टाइम है गाइस 9 बजे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा वीडियो के बारे में, बड़ी डिटेल वीडियो बनाई मैंने राइट। और ये सारी की सारी चीजें हैं। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। न्यू वैकेंसी आई और हमने दी आपको सबसे फास्ट अपडेट। तो गाइस ये थी वैकेंसी के बारे में वीडियो, और बहुत सारी वीडियोस आएगी, डोंट वरी, वेट कीजिए राइट। अब कंसिस्टेंट हो गए हैं हम लोग यूट्यूब में, क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम राइट। तो अब कंसिस्टेंट हैं और गाइस एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, फटाफट से हरी अप कीजिए। एंड अगर आपको एडमिशन लेना है तो फटाफट से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजिए, 7995084 है गाइस। इसमें मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा गूगल मीट में, आपको जब मन में आए, जो मन में, आप कुछ भी पूछ सकते हैं और मैं आपके साथ शेयर करूंगा सारी की सारी सीक्रेट स्ट्रैटेजी जो कि आपको एयरलाइंस में एंट्री आराम से दिलवा देगी। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और जो है लोगों को पता चलते जाए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन नहीं दबाया होगा तो वीडियो का आपको लास्ट में अपडेट मिलेगा और ये फिर वैकेंसी छूट जाएगी। गाइस एक चीज और मैं बताना भूल ही गया, ठीक है। आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कैसे हमारे स्टूडेंट ने इंटरव्यू निकाला है राइट। ये क्या बोलते हैं, रश्मि हो गए, उन्होंने एयर इंडिया का इंटरव्यू निकाला है राइट। शिवम ने, सत्यम ने इंडिगो एयरलाइंस का इंटरव्यू निकाला है। नीचे आके देख सकते हैं आप कि और भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि इन्होंने कई स्टूडेंट ऐसे भी जिन्होंने एयर इंडिया फिर से आ गया राइट, रायपुर बेस्ड इंडिगो एयरलाइंस। कई स्टूडेंट ऐसे भी जिन्होंने इंटरनेशनल एयरलाइंस कतर एयरवेज का इंटरव्यू निकाला है राइट, देन फिर इंडिगो एयरलाइंस। तो हर एक एयरलाइंस के स्पाइस जेट, हर एक का इंटरव्यू निकाला है हमारे स्टूडेंट ने, क्योंकि हम उन्हें इतनी तैयारी करवा रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं इस लेवल की कि कोई सब इंटरव्यू निकाल दे रहे। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और गाइस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वो भी ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल। एंड स्पाइस जेट की वैकेंसी आपके लिए है, फटाफट से जाइए, रेडी हो जाइए, डॉक्यूमेंट वगैरह पैक कीजिए, डॉक्यूमेंट वगैरह रखिए और गाइस रेडी हो जाए कल के वॉक इन इंटरव्यू। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, तो बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड गाइस जय हिंद टू ऑल, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय टू ऑल।